हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है आलू और कच्चा चना देकर एक रेसिपी तैयार करेगी मेरी वाइफ, देख लीजिए। और इसका स्वाद बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। तो कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स रहेगा सबसे पहले वो देख लीजिए। ये देख लीजिए, फ़ौरन के लिए तैयार किया हुआ है। ये देखिए, लौंग और दालचीनी, साथ में दो सूखा मिर्च, और ये है तेज़पत्ता, और कुछ प्याज कटा हुआ रेडी करके रखा है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, देख लीजिए, तैयार करके रख दिया है सबसे पहले। तो कुकर में बनेगा ये, देख लीजिए, इसलिए चना को पहले ही उबाल के रखा था, ठीक है, ताकि आलू ज़्यादा गल जाएगा और चना कच्चा रह जाएगा इसलिए। तो अब देख लीजिए, कुकर गर्म हो चुका है, और अब इसमें तेल डाल दिया गया है। भुका हुआ मिर्च 2 चम्मच डाल दिया, और 1 चम्मच हल्दी डाल दिया, और 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया। देख लीजिए, तेल गर्म होकर तैयार हो चुका है, अब इसमें फ़ौरन डाला जाएगा। दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता भी डाल दिया, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता को डाल दिया तेल गर्म होने के बाद। और इसके बाद कटा हुआ जो प्याज रखा था वो भी डाल दिया, देख लीजिए, 3/4 प्याज को डाल दिया है, और एक हिस्सा रख दिया है ऊपर से डालने के लिए। ये देखिए, एक हिस्सा रख दिया है ऊपर से डालने के लिए, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। ये देख लीजिए, और फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्याज को लाल करना है इसलिए। फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें मसाला को ऐड किया जाएगा। और मसाला ऐड करने से पहले जो सूखा 2 मिर्च था उसको कट करके हाफ हाफ इसमें डाल दिया गया है, देख लीजिए। अब मसाला ऐड किया जा रहा है जो तैयार किया हुआ था। तो मसाले को इस तरह से फ्लेम को थोड़ा लो करके भूनना पड़ेगा, पानी अभी ऐड नहीं होगा, ऐसे ही इसको भूनना है। अब थोड़ा सा पानी को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मसाला अब बैठने लगा है इसलिए। अब ढक्कन को लगा के थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो दिखाएंगे, ठीक है, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, देखिए, मसाला पक कर रेडी हो चुका है, ज़्यादा देर तक इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा, ठीक है। अब इसमें चना और आलू को मिक्स करेंगे। तो अब पक कर रेडी हो चुका है, अब इसमें चना और आलू को ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आलू और चना के साथ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से भूनना है मसाले के साथ। भूनने के बाद अब इसमें हम लोग प्याज डाल रहे हैं जो रखा हुआ था। अब इसको अच्छी तरह से चला देना है। तो अब भुना गया है, और इसमें अब पानी ऐड किया जाएगा। पानी डाल के अब कुकर का ढक्कन लगा देना है, और पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं, बस इतना डालना है कि ये
इसी इसमें आलू और चना डूब जाए ताकि अच्छी तरह से ये गल सके। देख लीजिए इसका कलर कितना अच्छा है और बनने के बाद इसका स्वाद इससे भी और अच्छा रहेगा, देखिएगा आप लोग। तो देखिए आलू और चना पूरा डूब चुका है, थोड़ा ग्रेवी वाला हम लोग बना रहे हैं ताकि इसका ग्रेवी में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए और ये चना और जो आलू है इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगे। तो इस तरह से पानी को ऐड करने के बाद ढक्कन को लगा देना है और 3 सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं, बस इसी में ये गल के तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी बन के तैयार हो चुका है। कुकर से हमने इसको एक बड़ा सा बॉल में डाल दिया है, ठीक है, ताकि सर्व करने में अच्छा हो। तो इसी तरह से तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर इस चैनल में नए हो और रेसिपी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल बटन को दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आगे से अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए और इसका रेसिपी आप लोग बनाकर सबसे पहले आप लोग इसका स्वाद ले सको। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।